गाइस, आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अलग अलग पेपर में आता रहता है। ये क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जीरोस इक्वल हैं। अब क्या करना है आपको, प्रूव करना है 2a इज इक्वल टू b प्लस c। आप देखिए यहां पे जो क्वेश्चन है 2a इज इक्वल टू b प्लस c प्रूव करना है। देखिए गिवन इक्वेशन को मैं नीचे लिख दिया हूं। अब आप देखेंगे कि इक्वेशन में a b और c आया है। अगर हम जो बेसिक इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी कि ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये बेसिक फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आप जब इसको लिखे होंगे उस समय आप देखेंगे कि स्मॉल ए लिखे होंगे, स्मॉल बी और स्मॉल सी लिखे होंगे, है ना। अब क्योंकि जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होता है तभी जाकर के उसके जीरोस जो होंगे वो इक्वल होते हैं आपस में। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो इसलिए मैंने लिखा क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि जो इसके जीरोस हैं वो इक्वल होंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो ए बी और सी की वैल्यू क्या होगी अब हमें ये कंपेयर करके देखना होगा। ए की जगह पे क्या है यहाँ पे, यानी ए की वैल्यू होगी ए माइनस बी। ऐसे ही बी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी बी माइनस सी, और ऐसे ही जो सी है इसकी वैल्यू हो जाएगी सी माइनस ए, है ना। अब यहां पे यही वैल्यू लेकर के रख देंगे। बी की वैल्यू क्या है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस फोर। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है ए माइनस बी। ऐसे सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है सी माइनस ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, फिर ये है माइनस। फिर फोर को अभी यहीं पे साइड ही में रखेंगे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का एक बार सी से करेंगे ये हो जाएगा ए सी, फिर ए का एक बार ए से करेंगे ये हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर, फिर माइनस बी का सी से करेंगे ये हो जाएगा माइनस बी सी, और फिर माइनस बी का माइनस ए से करेंगे ये हो जाएगा प्लस ए बी और इज इक्वल टू जीरो हमने लिखा। ये क्या है, ये है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी। अब ये माइनस फोर का मल्टीप्लाई ये चारों ही टर्म में कर देंगे, क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा माइनस फोर ए सी, फिर ये माइनस माइनस प्लस फोर ए स्क्वायर हो जाएगा ये, इसके बाद से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा फोर बी सी हो जाएगा, उसके बाद से माइनस और प्लस माइनस फिर फोर ए बी हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। अब आप देखेंगे कि बी स्क्वायर हमें यहां पे मिल गया, सी स्क्वायर यहां पे मिल गया, और एक फोर ए स्क्वायर। थोड़ा सा अरेंज किस तरीके से करें, देखिए ए स्क्वायर वाले को पहले लिख लीजिए, यानी कि फोर ए स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या है प्लस सी स्क्वायर, इसको ये यानी कि माइनस टू बी सी को और प्लस फोर बी सी को अगर हम एक साथ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा प्लस टू बी सी। हाँ यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि प्लस टू बी सी हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद से जो बचा उसको सिंपली रख दीजिए, तो बचा क्या माइनस फोर ए सी, फिर बचा माइनस फोर ए बी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ए जो है यहाँ पे ए का स्क्वायर है और टू का स्क्वायर फोर हो जाता है, तो इसको हम टू ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये है प्लस बी का स्क्वायर और ये है सी का स्क्वायर, ठीक। फिर प्लस ये टू बी सी है, यानी बी और सी जो है ये पॉजिटिव है। इट मींस कि बी वाला और सी वाला ये दोनों ही जो है ये पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। हाँ यहाँ पे ये चीजें हो सकती हैं कि या तो दोनों नेगेटिव होंगे तो भी ये पॉजिटिव आएगा, ठीक। ये आप क्लास नाइन्थ में पढ़ चुके होंगे कि किस तरीके से हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे। तो अभी हम देखेंगे, अभी हम मान रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस लगा हुआ है। फोर ए की वैल्यू अगर प्लस में रहेगी और सी की वैल्यू माइनस में रहेगी तो यहाँ पे माइनस होने के चांसेस हैं। इट मींस कि फोर ए की वैल्यू किस में है, प्लस में है, और सी की वैल्यू क्या है, माइनस में है। ऐसे यहाँ पे आ जाइए, फोर ए की वैल्यू, अब अगर हम ए की वैल्यू प्लस में लिए हैं और यहाँ पे माइनस आना चाहिए तो ये कब आएगा, जब बी की वैल्यू क्या हो, माइनस में हो, इज इक्वल टू जीरो। ये बस ऐसे रफली मैं लिखा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे अगर कोई भी साइन हम ना लगाए तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगा देगा माइनस, ये प्लस माइनस क्या लगा देगा, यहाँ पे माइनस लगा देगा, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली हम इसको यानी कि लिख सकते हैं। अब हमको यहां से क्या पता चला कि सी का और बी का वैल्यू यहाँ पे माइनस में है, तो हम इसको सिर्फ लिख सकते हैं कि 2a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये जो पूरा ऊपर की वैल्यू थी ये वाला, ये पूरा इसको हम ब्रेक करके दिखाए, है ना। तो इसको आपको लिखना नहीं होता, ये रफ वर्क होता है, ठीक है। अब ये कंप्लीटली यहां से यहां किसका होल स्क्वायर है,
2a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर है और ये इक्वल टू जीरो के बराबर होगा। अब ये स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर कर देंगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, वो हट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। तो 2a इज इक्वल टू ये माइनस उधर जाकर के क्या हो जाएगा प्लस बी और ये माइनस उधर जाकर के प्लस सी, यही प्रूव करना था। तो क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। उम्मीद है गाइस आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा।